भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रभावशाली उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा को हाल ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि कल देर रात उनका निधन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा को टाटा ग्रुप से जुड़े लोगों के साथ साथ देश के आम लोग भी काफी पसंद करते थे। दरअसल रतन टाटा ने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उनके प्रति काफी सम्मान का भाव रखते थे। बता दें कि कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी से जूझने वालों के लिए रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को देश के सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पताल में गिना जाता है। दरअसल टाटा ग्रुप ने साल 1952 में टाटा कैंसर अस्पताल की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक देश के कई शहरों में टाटा कैंसर अस्पताल खोले जा चुके हैं। बता दें कि टाटा कैंसर अस्पतालों में हर साल इलाज के लिए 1 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं। मुंबई के साथ साथ ही गुवाहाटी, वाराणसी, विशाखापत्तनम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कैंसर हॉस्पिटल हैं, जहां लोगों का इलाज किया जाता है। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ साथ कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर को भी देश के बेहतरीन कैंसर अस्पताल में गिना जाता है। दरअसल टाटा के कैंसर अस्पतालों में काफी कम या मुफ्त में कैंसर रोगियों का इलाज किया जाता है। हालांकि उनके निधन के बाद से ही आम आदमी से लेकर नेता तक दुखी हैं। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, एक कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजीनगर में, और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो
बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गई ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी टाटा ग्रुप में काम करने वाले और वहां से रिटायर हो चुके लोगों का भी रतन टाटा से बेहद जुड़ाव रहा है। ऐसे ही एक शख्स वीवी रमेश हैं, जो पुणे में रहते हैं और टाटा ग्रुप में काम कर चुके हैं। रतन टाटा के निधन के बाद वे उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान वीवी रमेश ने रतन टाटा से जुड़े कई बातें बताई। आपसे मैं जानना चाहूंगा, 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है, दूसरा एक था कि चार फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया वो आपको याद है? नया मैं बताता हूँ, 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता भाई, पैसा हमको लगा, वो खुद आंसू आ रहे थे, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया आपने? कर लिया। और नवल टाटा से भी बात किया मैंने, मैं बोला सर ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की, वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्से के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है। वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस सिक्योरिटी गार्ड वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता हूँ मैं क्या राजकारण हूँ, क्या मैं किसका खून किया? कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके लिए इस बात का आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाए। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है, हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, एक घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरुप्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं, आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्स? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, भगवान है। और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब आई मीन मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में।